हेलो दोस्तों, तो मेरे पास है आज एक सीन का मैजिक क्यूब जो मैंने बहुत पहले परचेज किया था और मैंने मेरे पास रखा हुआ था, क्योंकि मैं पहले से ही ये वाला यूज कर रहा था, एक सीन मैजिक क्यूब। तो ये मेरे पास दूसरा आइटम है, तो चलिए इसका आज अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। मैग्नेटिक क्यूब है और इसका प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है 1,999, लेकिन मैंने इसको ख़रीदा था 6,699, 6,000 नहीं। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर M8 का लोगो लिखा हुआ है, जो चाइना का माल है। तो मैक्सिमम रूबिक्स क्यूब चाइना का ही माल होते हैं। तो यहाँ पर क्यूब लेलो के थ्रू मैंने परचेज किया था, इसलिए क्यूब लेलो का वेबसाइट दिया हुआ है और यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ 1,999, लेकिन ये तो ज़्यादा ही लिखा हुआ। मैंने इसे 6,999 में ख़रीदा है। तो चलिए इसे मैजिक क्यूब, इसका नाम इसलिए है कि इसमें कोई मैजिक नहीं है। तो चलिए इसे अब थोड़ा रोल करते हैं और देखते हैं। इसे एक बार सॉल्व करते हैं तो इसका एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। तो ये सॉल्व हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही फास्ट क्यूब है, और इसलिए क्योंकि ये मैग्नेटिक भी है। तो इसमें हम लोग अगर आप इसे मूव करेंगे, चल आप लोगों को मैं सामने से दिखाता हूँ। अगर आप इसे मूव करते हैं इसे, तो आप एक आपको एक मैग्नेट मैग्नेटिक फील आएगा। जैसे यहाँ से मूव करते इसमें खिंचाव आएगा, यहाँ पर आने ऐसे हो जाएगा, तो आप एक को एक मैग्नेटिक फील आएगा। तो इनमें मैग्नेट्स यहाँ पर लगाए होते हैं अंदर, जो आपको बाहर से दिखेंगे नहीं। और आपको मैं एक खोल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, एक स्क्रू मिलेगा जिससे आप टाइट करेंगे तो ये जो लेयर मूव होंगे और भी टाइट हो जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको टाइट नहीं कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और आपको अगर इनमें मैग्नेट्स देखने हैं तो आप इसको ऐसे खोल सकते हैं, और इसको आप ऐसे खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अंदर मैग्नेट लगाया हुआ है। यहाँ पर दो मैग्नेट है, एक सेंटर पीस में, एक सेंटर पीस नहीं, एक एज में। और इसको आप फिर से ऐसे लगा सकते हैं। चलिए इसे लगाते हैं। हाँ, लग गया। तो ये था हमारा एक सीन का मैजिक क्यूब जिसमें कोई मैजिक नहीं है, और ये वाला है एक यही मैजिक क्यूब भी जो मैंने लगभग 1 साल से ज़्यादा से यूज किया। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, ये यूज दिख रहा है या अनयूज दिख रहा है। तो यही था आज के लिए, बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। ओके, गुड बाय।